हालात हज़र के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुमायूं। इस प्रोग्राम में हफ्ते में हम कई दिन मिलते हैं और करंट अफेयर्स पे बात होती है, इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है उस पे बात होती है, लेकिन कुछ हसास मौजूआत हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से बराह रास्त है, उन पे भी बात होती है। आज एक हसास मौजू पे बात करेंगे। मौजू तक पहुँचने से पहले मैं आपको अपना हाथ दिखा दूँ। 5 उंगलियाँ, अंगूठा 4 उंगलियाँ, हर मुख्तलिफ किस्म की सारी, साइज़ ऊँचा नीचा, लेकिन काम अगर एक भी ख़राब हो जाए, एक में तकलीफ़ हो तो काम नहीं चलेगा। यानी इकट्ठे मिल के काम होगा तो काम चलेगा। गाड़ी की हम बात करते हैं, ज़िंदगी में ये एग्ज़ाम्पल हम बहुत देते हैं। गाड़ी के 4 पहिए, अगर एक छोटा बड़ा हो, एक डिफ्लेट हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। साइकिल के 2 पहिए, एक थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है। ज़िंदगी में भी हम कई पटरियों पर, कई पहियों पर चलते हैं, और अल्लाह ने कारवाने हयात को आगे बढ़ाने के लिए तश्कील दिया मर्द और औरत को, कि ये कारवान आगे बढ़े, और बराबर अहमियत दोनों को दी कि ये दोनों इस कारवान को लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं इनमें से एक सिन्फ ने अपने आप को थोड़ा बेहतर समझ के आगे जाना शुरू किया और दूसरी सिन्फ को थोड़ा धकेलना शुरू किया पीछे, और उसने कहीं ये भी मान लिया कि ये सही है कि मैं पीछे ही रहूँ। हम जब ये बात करते हैं, अंग्रेज़ी में आप आसानी से समझ जाते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की बात, उर्दू में सिन्फ, हिंदी में लिंग की बात। तो जेंडर सेंसिटिविटी पे आज बात करेंगे, और हम जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी पे बात करेंगे आज के हालात हाजरा के इस शुमारे में। हमारे साथ यहाँ मेरी बाईं जानिब बैठी हैं, मौजूद हैं डॉक्टर रोशन आरा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ में। बहुत बहुत खैर मकदम आपका दूरस्थ के स्टूडियोज़ में। इनकी बाईं जानिब बैठी हैं सरकर्दा राइटर हैं, एकेडमी अवार्ड विनर हैं, उस्ताद हैं दीबा नज़ीर जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई हैं इस प्रोग्राम में शमूलियत करने। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। मैंने कहा कि हम आएंगे जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे, बराबरी ना बराबरी, लेकिन पहले बात होती है सेंसिटिविटी की, कि कितने हसास हैं हम जेंडर के बारे में या सिन्फ के बारे में, और ये हसास होना कहाँ से शुरू होता है और क्यों ख़त्म हो जाता है। जी हुमायूं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए और हमें इसमें दावत देने के लिए और ये टॉपिक चूज़ करने के लिए, कि मुझे लगता है कि बहुत ही जो ज़रूरी टॉपिक है, अहम टॉपिक है, जिसका वास्ता बिल्कुल हमारी ज़िंदगी के साथ है, डे टू डे लाइफ में। जी। जब हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की, कि मतलब हम देखते हैं कि यूजुअली जो पूरी वर्ल्ड में, ये नहीं हम कहेंगे कि हमारे कश्मीर में, हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, बट थ्रू आउट द ग्लोब हम देखते हैं कि अभी भी औरत जो है ये पीछे है। और पीछे क्यों है, कि इसके पीछे एक राज भी है। राज क्या है, कि राज हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जो पैट्रियार्की दिखाई गई है, और पैट्रियार्की में आप देखेंगे कि जो मर्द लोग हैं उन्होंने इसको एक टूल बना लिया है। यानी एक दो जेंडर अल्लाह ने पैदा किए इस दुनिया को, जैसे आपने पहले ही अपने प्रोग्राम के शुरू में ही आपने कह दिया कि इस कायनात को चलाने की अगर अल्लाह को ज़रूरत नहीं पड़ती तो शायद हवा पैदा नहीं होती। तो अल्लाह ने भी औरत को पैदा किया है और उसको एक नोबल काम सौंपा है, जो नोबल काम एक मर्द अंजाम नहीं दे सकता, जिसको हम मदरहुड कहते हैं, आगे बढ़ाने का। जी जी, मदरहुड जो एक ह्यूमन रेस को आगे चलाती है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि औरत जब से दुनिया कायम हुई है तब से हम देख रहे हैं कि अपना फ़र्ज़ ये माँ का रोल, बहन का रोल, बीवी का रोल, ये हर रोल में मुझे लगता है कि सिर्फ खिदमत करती है मर्द की। और मर्द जन्म इसी से लेता है, मतलब मैं कहूँगी कि आयरनी ये है कि ये मर्द, कोई भी मर्द, मतलब इसका कोई हक नहीं बनता है कि इसको पीछे धकेलने का, इसको कोई हक नहीं बनता है कि इसको पीछे रखने का, या इसको एक्सप्लॉइट करने का, या डोमिनेट करने का। क्यों, क्योंकि इसने जन्म ही लिया है इसी से। यानी बच्चा जो होता है, ये बच्चा पहले माँ की गोद में ही पलता है, फर्स्ट स्कूल जो होता है तो माँ की गोद है। उसके बाद कल को हम सोसाइटी को जब हम प्रोवाइड करते हैं, एक प्रिपेयर्ड ह्यूमन रिसोर्स की शेप में हम देते हैं कल सोसाइटी को, मगर फिर जब देखते हैं कि ओवरऑल हमने देखे कि आज तक औरत को वो स्टेटस नहीं मिला है। हमारे अगर हम अपने मजहब की वजह क्या है इसकी, ये वही मैं आज के ज़माने में देखिए, जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही मैं आ रही हूँ। तो अगर हम अपने मजहब की बात करेंगे, कि मतलब हम देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने औरत को सबसे ज़्यादा मुकाम दिया है। जब हम कहते हैं कि माँ की कदमों में जन्नत है, वहाँ तो फिर कहीं जाना ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि जो बाप 4 बेटियों को, 1 बेटी को, 2 बेटियों को पालता है, तो उसको जन्नत में फ्री एंट्री है। तो मगर फिर हमें देखना है, यहीं पर वही उसी क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, कि क्या वजह है फिर कि औरत को आप निचली नज़र से क्यों देखेंगे, औरत को आप कमज़ोर तबका क्यों मानेंगे। अगर हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं
कि औरत जो है सबसे ज़्यादा जो 70% पॉपुलेशन है फीमेल पॉपुलेशन वर्ल्ड में वो पुअर है. अभी भी जो जो हमारा डाटा है जो रिसर्च हमें प्रोवाइड करता है अभी भी हम देख रहे हैं कि ओनली 1% जो ये ना ये रिसोर्सेज हैं दीज आर ओन्ड बाय वुमेन. 13% लैंड होल्डिंग्स उनके नाम लैंड होल्डिंग्स उनके पूरी दुनिया बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में. तो 10% ही उनकी जो इनकम है जो वो कमाती हैं जबकि हम काम देखते हैं काम के हिसाब से देखिए बहुत सा काम है ना जो बहुत सा काम है. मैं आपके पास फिर आऊँगा दूसरे पहलू को लेके जो बहुत सा काम खवातीन करती हैं वो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है जो घर का काम है हालांकि वैल्यू बहुत है उसकी. ये छोड़िए कि आप अगली जनरेशन बना रहे हैं लेकिन उसके लिए अगर आप किसी और को काम पे लाएंगे तो वैसी खिदमत भी नहीं होगी और खर्चा क्या होगा. एक वैल्यू वो है सर सरोगेसी एक एग्जांपल है उसका है ना एक इकोनॉमी वो भी है. देवा जी आपके जाने वाले आते हैं आप बच्चों को पढ़ाती हैं बच्चों के साथ होती हैं दिन भर और जब आप बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का आपस में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं आपस में क्या तालमेल है क्या वहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ पैदा होती है जिससे आपको लगता है कि ये एक दूसरे की तरफ सेंसिटिव नहीं है. जहाँ मैं पढ़ाती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है क्योंकि लड़के लड़कियाँ एक ही जगह पढ़ते हैं एक ही जगह वो लंच करते हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जब मेरा जब मैं एक्सपेक्टेड थी तो मुझे औरतें कहती थी औरतें ही मैं शिकार हो रही थी औरतों से ही कि कश्मीरी में वो मुझे कहते थे कि गस खुदा दीने शूब. शूब का मतलब ही है जो सुनने वाली है उसको भी पता है शूब क्या है और जो कहने वाली है उसको भी पता है कि शूब क्या है. सो हम नहीं चाहते हैं कि पहली बेटी हो हमने लेकिन जिस माहौल में मैं पली हूँ वहाँ पे कभी मुझे दूसरी सिंफ नहीं माना गया. जिस तरह से मेरे भाई को पाला गया उसी तरह से मुझे भी पाला गया. मुझे लगता है मुझे उससे ज़्यादा आज भी मेरा भाई कहता है कि अपनी फैमिली में कि दो नज़रें हो रही थी तो दीबा को ज़्यादा लाड पार मिलता था और मुझे कम. लेकिन वो चीज़ मैंने नहीं देखी. लेकिन जब मैं पहले मेरा बेटा हुआ और फिर उसके बाद मेरी जुड़वा बेटियाँ हुई लेकिन जब मेरी जुड़वा बेटियाँ हुई मैं उस चीज़ में शिकार हो गई कि मुझे कहने लगे लोग कि इनका गला घोंट देंगे जो ही वो पैदा हुई. तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक माँ हूँ मुझे उस वो शिकार में नहीं हुई. ये आज के माशरे की बात है कितने साल पुरानी बात है ये बस एक साल पुरानी बात है कि जहाँ मुझे कहा गया कि गला घोंट देना चाहिए और लेकिन पढ़े लिखे घर और मैं पढ़े लिखे घर की और पढ़े लिखे लोगों से मैंने ये सुना. लेकिन आपने स्कूल की बात छेड़ी तो मुझे नहीं लगता है कि डीपीएस में इस बात को मैं स्कूल की बात दूसरी है जो मैं बात कह रहा हूँ ये नहीं है कि स्कूल की मैनेजमेंट कहे कि ये लड़का है या लड़की है लेकिन बच्चों में आपस में जो हम मिस करते हैं वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं जो घर में उनने सीखी होती है या लड़की इसको नहीं आएगा या लड़की इसको पीछे रखेंगे कहीं ये बातचीत होती है जो बिल्कुल होती है कभी कभार कि अगर कोई लड़का रोता है तो क्यों लड़कियों की तरह रोते हो. अगर कोई लड़का किचन सेट के साथ खेलता है किसी ऐसी लड़कियों की खेल खेलता है तो उसको कहा जाता है कि लड़की लगता है हम बहुत आगे आए हैं हर किसी फील्ड में लड़कियां बहुत आगे आई है लेकिन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है जो हमारी इनइक्वालिटी है वो लैक हो. और एक और चीज है डॉक्टर साहब इसमें अगर दूसरा पॉइंट भी देखें कि लड़के को भी नहीं पता है कि मैं लड़की को कैसे हैंडल करूं छोटी उम्र में और लड़की को भी नहीं पता है कि जब बच्चे को लड़का जो है उसकी वो मेलनेस होती है उसमें तो उसमें मैं कहीं उसको प्रिक ना करूं ताकि रिएक्शन खराब हो और ये भी बदतमीजी पे आ जाए या गलत बात हो जाए. हमको दोनों को सेंसिटाइज करना है. जी 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 मैं वही आ रही हूं जो सलोनी इतने डार्क धुल जाएंगे और कीटाणु का क्या मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा. नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी ये लैब से प्रमाणित है इसलिए फेना ही लेना. की जो बात है अभी जो दीवा जी कह रही है तो मतलब ताजा ही बात है ज्यादा पुरानी नहीं है लास्ट ईयर की बात है. आप देखिए कि हमारा माइंडसेट जो है हमें माइंडसेट को चेंज करना है कि अभी भी आप देखते हैं कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं कि मैं अक्सर कहूंगी कि ये वायलेंस करता कौन है. वायलेंस करता है तो ये तो मर्द ही करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रदर भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड भी करेगा. यूजुअली हस्बैंड से होती है फिजिकल एंड इमोशनल दोनों किस्म की जो वायलेंस होती है. और मैं कहूंगी कि मतलब जो औरतें जो परपेचुएट करती है ना ये जनरेशन टू जनरेशन फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी जो हमने अपनी माँओं से सीखा होगा
ये बेसिकली उन औरत जो जो आप अभी कह रहे हैं मतलब शूव दिन है, ये क्या है, दिस इज व्हाट वी हैव इनकल्केटेड इन आवर सेल्वस, पास ऑन कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्रिंगिंग अप है हमारी फैमिलीज में हमारे बच्चों की जो हो रही है, मतलब हम लड़की को हम रोल डिवाइड करते हैं खुद ही, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, सो फार एज यूजन जो सब्जेक्ट जो कंसर्नड है, मैं जेंडर स्टडीज़ की ही बात करूँगी, बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त ये कुदरत ने उसको पैदा किया होता है, मतलब वेदर मेल और फीमेल, मतलब दो जेंडर है। उसके बाद जो उसके रोल, बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मुझे कैसे कल चलना है, मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है, मुझे कैसा है। जो उसको जो पेरेंट्स होते हैं ना, पहला पहला मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है फैमिली से ही, जब हम रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग करते हैं। हम लड़के को कहते हैं कि नहीं आप जाओ क्रिकेट खेलो, वो करो, जब प्रोफेशन की बात आएगी आप करोगे जी, ऐश करो, जहाँ जाना है करो, वो करो, ये करो। और इसके साथ ही अगर लड़की को हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ज़ोर से हंसना नहीं है, ज़ोर से बोलना नहीं है, छलांग नहीं मारनी है, इस गेम को खेलना है, किचन सेट को खेलना है, उसकी ब्रिंगिंग अप हम ऐसे करते हैं कि कल वो वही बन जाती है जो हम थे। सही है, है? सही तो है। वो वही बन जाती है वो, और फिर धीरे धीरे कल हम उसको बोलते हैं कि मतलब जब उसका अपना बच्चा जब होता है, जब वो माँ बनती है, वो आगे पास इट विल बी ऑटोमेटिक। डॉक्टर रोशनारा, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अब तो हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग जी, भी हैं, बेदारी भी कहते हैं हमें है। दूसरी बात है कि हमारा एक्सेस टू ऑल वर्ल्ड दुनिया की टेक्नोलॉजी और नॉलेज में है जी, जी। तो क्या इससे तब्दीली नहीं आई? आज इतनी लड़कियां इंजीनियर बन रही हैं, अब नहीं है मेल डोमेन इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत चीजें हो रही हैं जी। जो हम कहते हैं मतलब ऐसे हमें दिखने में लगता है कि मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई है, तो मैं एज रिसर्चर कहूँगी कि अभी भी जो गैप है, जेंडर गैप जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये बहुत ज़्यादा है। वी हैव ओनली 35% ऑफ वीमेन इन दिस फील्ड। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि नोबल लॉरेट्स की हम बात करते हैं, जो नोबल प्राइज़ जो दिया जाता है हर फील्ड में अच्छे काम के लिए, तो उसमें भी उस पर भी मैं आपको कहूँगी कि अभी तक जो औरतों का उसमें जो परसेंटेज है बहुत कम है। और जो अल्फर्ड नोबल भी जो था, तो कहते हैं कि उसकी सोच में पहले मतलब वो भी बोलता था कि औरत कभी नोबल प्राइज़ के लायक नहीं हो सकती है, और मेरी क्यूरी और बाकी उन्हें हाँ, लगातार तो उन्होंने सारे खानदान ने जीत लिया। तो मतलब उन्होंने फिर वो जो वो बैरक्स थे वो उन्होंने खुद तोड़ दिए। और अभी आप देखेंगे कि हम फॉर एग्जांपल हमारे जो रोल मॉडल्स जो हमारी हैं, हम कल्पना चावला की बात करते हैं, मतलब कल्पना चावला हमसे कुछ अलग नहीं है। कल्पना चावला को किसने बना? उसको एनवायरमेंट ने बनाया, उसकी ब्रिंगिंग अप ने बनाया। बेहतर नहीं हम उस रोल मॉडल की बात करें जो अपने माशरे में है, बिल्कुल करीब है, अपने करीब माँ है, भाई है, बहन है, बिल्कुल बिल्कुल, जो ये चीजें नहीं मानता है और आगे बढ़ रहा है, फैमिली है जी जी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अपने कश्मीर की बात हम करेंगे, तो माशाल्लाह अभी हमारे यहाँ भी मतलब हम देखते हैं बहुत अच्छा एनरोलमेंट है हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग तो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है, और यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगी बहुत अच्छा परसेंटेज हमारा है रिसर्च में है। मगर एक ऐसा दौर भी है कि जहाँ पर जब लड़की जब ये मैच्योरिटी को पहुँचती है, फॉर एग्जाम्पल पीजी करती है, पीजी के बाद ही शुरू होती है उसकी शादी की बात। और मैं आपको कितनी एग्जाम्पल्स दूंगी कि मतलब बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनको फिर अपनी इस अपने कैरियर को ही गुड बाय करना पड़ता है। लड़की को कहते हैं शादी कर लो, लड़का आगे पढ़ता लड़का रहता आगे जाता है, पढ़ता रहता हाँ है। और ये टैलेंट जो होता है कि मतलब मैं कहूँगी कि मतलब बहुत टैलेंटेड हमारी बच्चियाँ हैं, आप देखते हैं के एस में टॉप करती हैं, आईएएस में टॉप करती हैं, या इसी तरह से मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ट्वेल्थ में आप देखते हैं, मगर फिर कहाँ जाती हैं वो, तो मतलब फिर हमें दिखने को नहीं मिलती है। देखिए इसमें एक बात ये भी है कि बहुत सी हैं कि जब ट्वेल्थ वगैरह में टॉप करें तब तो न्यूज़ में रहता है, बाद में किसको पता है, और वैसे ही टेंथ और ट्वेल्थ के टॉपर जरूरी नहीं आगे कुछ करें बाद में। नहीं नहीं सर, ऐसा मामला मैं बताऊंगा, एक मामला है इसमें ऐसा है कि उसके बाद लाइफ में जब आते हैं ना, बहुत सी फील्ड हैं जिनमें एक्सेल कर रही हैं। आपको पता है इस वक्त मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, जो इंडिया से बाहर कश्मीरी लड़के पढ़ रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं और रिसर्च कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनने अपने आप को साबित किया हिंदुस्तान से बाहर, कश्मीर से बाहर। दीवा जी आपके पास आता हूँ मैं कि आप एक राइटर भी हैं, आप लिखती भी हैं, ये लिखना आपने अपने घर में नेचुरली शुरू किया, शादी के बाद तो नहीं किया? तो जब आपको देखा गया, आपके इर्द गिर्द देखा गया कि एक लड़की है कहती है मैं लिखती हूँ और कहानियाँ लिखती हूँ और कहानी में कुछ भी लिख जाती हूँ, तो कैसा आपका रिएक्शन रहा आसपास के लोगों का? सबसे पहले तो मैं अपने घर की बात कहूँगी, घर में तो बहुत सपोर्ट मिला जब उनको पता चला कि मैं लिखती हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों से जब आगे बाहर निकलना शुरू कर दिया मैंने, कश्मीर के बाहर अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करने चली मैं, तो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द जो सोसाइटी है मेरी, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दुश्वारियाँ आ गई मुझे।
दुश्वारियाँ ये कि क्या लिखेगी, क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी, ये लड़की है, ये लड़की है, लड़कियों का काम है शायद किचन में रहना, लेकिन हाँ जिस हाथ में चम्मच और जिस हाथ में बर्तन हो उसी हाथ में गाड़ी की चाबियां आजकल की लड़कियों के पास है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम बहुत आगे गए हैं, जैसे मैम ने कहा कि हमारी लड़कियां बहुत आगे हैं, लेकिन आज भी हमारी लड़की अगर ड्राइविंग करती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अभी हम शायद हम बहुत पीछे है, थोड़ा सा हम पीछे है अभी उस सोच के लिए, वो सोच हमें बनानी बहुत जरूरी है। जैसे आपने शुरू में बात की थी घर की, ऐसे जब बेटियां हुई जो ट्विंस हुई उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे हो, अब एक साल के बाद घर उधर क्या रिएक्शन है उन लोगों का जिनने ये कहा था? उनका तो अभी कुछ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जब मैं अपनी बेटियों को करूंगी, क्योंकि तीन बच्चे हैं, तीनों तीनों तो अगर किचन सेट को खेलना है तो तीनों मिलकर तो खेलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, उनमें ये नहीं है कि लड़की लड़की का काम है और लड़के का काम है, बिल्कुल सेम अभी अपब्रिंगिंग हो रही है। लेकिन माशाल्लाह अगर उनकी किस्मत में होगा आगे जाना तो उन लोगों को तो खुद से जवाब मिल जाएगा। जानना चाहूंगा इनके पास आने से पहले कि जैसे आप घर का काम करती होंगी तो आपके मर्द जो घर में है वो घर के काम में कितना हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले बात तो मैं करूंगी कि जो मेरे फादर हैं, मैंने तो कभी बचपन में नहाया नहीं, नहलाया नहीं होगा मेरी माँ ने, मेरे फादर ने ही नहलाया है मुझे। जो भी कभी बाल बनाना, यूनिफॉर्म पहनाना, बूट पॉलिश करना या कुछ भी, एक मस्त तो सारा बात है ये मेरे फादर ने किया है। और उसके बाद भी जो भी हमारे मर्द है, मुझे लगता है कि हम मेरे घर से जो जो मेरे घर के मर्द है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई उसमें पीछे हो, लेकिन अपने फादर की बात करूँगी। आजकल क्या हाल है? आजकल तो सही है, चल रहा है। चलिए ये पूछूंगा भी नहीं आगे आपसे। जैसे ये देखिए, ये भी एक एग्जांपल है, सही बात है कि माँ बाप बच्ची की तरफ वालिद का बड़ा ज्यादा प्यार होता है या ज्यादा कोशिश करते हैं उसके लिए, लेकिन वहाँ जो आपने कही एक जगह आके वो भी रुक जाते हैं जो आपने कहा था, बिल्कुल, क्यों कहते नहीं अब कुछ और सोचेंगे क्योंकि ये लड़की लड़की है, लड़की है, ये एक हकीकत है। और देखिए हम जब दुनिया की बात करते हैं, इस वक्त जो फिनलैंड में हुकूमत है वो चार औरतों की कोलिशन चला रही है, लेकिन यूरोप में डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर वन फिनलैंड है 43% तो यानी हम कहते हैं पार्लियामेंट में अगर औरतें आती हैं ज्यादा या असेंबली में रिजर्वेशन मिलती है तो क्या बदलेगा इससे कुछ? जी बहुत अच्छा आपने सवाल शुरू ही किया सर। मैं बता दूंगी कि अभी जो हम आपने फिनलैंड की बात छेड़ी, ये चार पांच कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, और भी है तो जर्मनी है, जहाँ पर औरतों की हुकूमत है इस वक्त। और आप देखेंगे कि ये चारों बेल्ट जो है इनका, ये बहुत सक्सेसफुल लीडर्स इनको माना जाता है, और कोविड में सबसे फर्स्ट कंट्रीज़ हैं ये जिन्होंने कोविड पर सबसे पहले कंट्रोल किया। तो इट मीन्स कि वुमन इज़ द गुड गवर्नर, शी इज़ अ गुड गवर्नर। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब अगर चांस मिलेगा कि आप देखें कि इंडिया की हम बात करेंगे कि 1995 से जो हमारे पार्लियामेंट की स्टेट लेजिस्लेचर की जो रिजर्वेशन बिल है दैट इज़ हैंगिंग 33% पड़ी हुई है, तो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इवन ये हम कहेंगे कि जो 1995 में जो वर्ल्ड समिट हुआ था, वुमेन वर्ल्ड समिट सबसे बड़ा, जिसमें ये ना ये जिसके जो क्लाजेज़ हैं, जो प्रोविजन्स थे, उसमें ये था सबसे इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी था फॉर ऑल दोज नेशंस कि 50% आपको रिजर्वेशन देनी है। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन अब रहते हैं 50 हैं, तो 50 दे दो। और ये मैं बहुत वोकल भी हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मतलब मर्द को हक नहीं है कि रिजर्वेशन दे, वो कौन होता है मैं रिजर्वेशन देने वाला? खड़े करे। हाँ, मुझे लगता है कि दिस शुड बी अल्लाह। अगर उनको अगर इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं, ट्रीटीज हैं, ये जाके वहाँ पर साइन करते हैं और वहाँ से वापस आके फिर ये बात ही खाते हैं। देखिए जो आप कह रही हैं, एक बात ये है कि आप कहती हैं रिजर्वेशन इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि मिल नहीं रहा, खुद मिल नहीं रहा है, एक बात है। दूसरी बात है जो हम अपना सियासी देखते हैं तर्ज अमल, जी जी, उसमें मर्दों के लिए तो कुछ बदला नहीं, बाकियों के लिए तो कुछ बदला नहीं, औरतें 33% आ जाएंगी तो क्या बदलेगा? मैं इसलिए बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड में आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी कामयाब हैं, अच्छी हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में हाईएस्ट वायलेंस 15 साल की उम्र से ऊपर की लड़कियों में जो है वो न्यूजीलैंड में, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो प्राइम मिनिस्टर होने से फर्क पड़ा ही नहीं सर, बहुत फर्क पड़ेगा। मैं सलोनी इतने डार्क धुल जाएंगे और कीटाणु का क्या, मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी, ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना।
इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर दैट. मैं इंडिया की एग्जांपल दूंगी आपको. हमारे यहाँ यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि 19 ये अभी भी हमें एक प्राइम मिनिस्टर देखी है औरत, इंदिरा गांधी जी. तो मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह इंडिया में इस वक्त हो रहा है ना, मतलब हमारे आप बात करते हैं हम जो चाइल्ड रेप सब होते हैं, तो मतलब जो शर्मनाक किस्सा है, तो आप देखेंगे कि 1975 की बात है कि इसी तरह से जैसे इस वक्त खौफ का माहौल है, इसी वक्त यही माहौल था इंडिया का. तो फिर क्या किया, जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो सभी मर्द थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई. उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, जो ये थ्रेट्स हैं, जो फिज़िकल अटैक्स हैं, हेरासमेंट हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो कानून बनाएंगे कि औरतों को घर से नहीं निकलना है. ठीक है सर, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है औरतों को. 18 मुल्कों में वैसे भी कानून है, ये नौकरी नहीं कर सकती. नहीं सर, इन्होंने सर सोचा कि इनको घर से नहीं निकलना है. अच्छा. तो इलाज इसका सोचा. फिर जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पास मतलब पेश किया ये, तो इंदिरा गांधी जी उठी, बोला हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, जो अटैक्स होते हैं वो करता कौन है, करते तो मर्द हैं, करने गलत करने वाले तो मर्द हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे तो मर्दों को ही घर से नहीं निकलने देंगे. ये भी सही है. तो ऑटोमेटिकली तो दिस थिंग फेल्ड. बहुत अच्छी बात है आपने कही. आप देखिए दीवा जी, आप स्कूल के माहौल में, मैं दूसरी बात कहूँगा, क्या स्कूल में कोई इस किस्म की तरबियत दी जाती है जिससे बच्चे को सेंसिटिव बनाया जाता है इस मामले में, सिंफ के मामले में, लड़के को लड़की के बारे में, लड़की को लड़के के बारे में, कोई तरबियत ऐसी होती है ओवरऑल स्कूलों में? मैं आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे लगता है ओवरऑल स्कूल्स में अगर मैं बात करूँगी तो हो रहा है कहीं ना कहीं, उनको दिखाया जा रहा है कि पढ़ाया जा रहा है, मॉरल एजुकेशन दी जा रही है लड़कियों के लिए. लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी, एक बात है हमारे पास, जब बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले उसको कहा जाता है कि इचनख वाले, इसको बर्डन बर्डन समझा जाता है. एक लड़की का कहीं घर नहीं है, मालून है, वरु है, घर नाम किसी जगह नहीं है. तो जब वो दूसरे घर जाती है वहां कहा जाता है कि इश लुक हंस कोर, वहां भी लुक हंस और यहाँ भी लुक हंस. तो वो चीज हमें चेंज करना है, वो हम टीचर्स पर है. अगर हम कहीं जगह किसी वो सोच बदलनी है, सोच बदलनी और वो स्कूल से ही शुरू होगी, वो स्कूल से शुरू होगी, घर से, सबसे पहले घर से, सबसे पहले घर से, उसके बाद स्कूल पे वो जिम्मेदारी आती है. मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, 2 साल हमारे हो गए हम घरों में ही है, जो बच्चे पैदा हुए, जो जिन बच्चों का एडमिशन, न्यू एडमिशन, उन्होंने तो स्कूल का माहौल नहीं देखा, उन्होंने तो पहले 3 साल तो वो घरों में पलते हैं. तो घरों से वो माइंड सेट हमें बहुत. लेकिन एक बात कहूँगी, अगर लड़की आगे जाती है, अगर आसमान को भी वो छुएगी, लेकिन एक लड़की के लिए लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस को उसको, एक लड़की के एक दायरा होना चाहिए, वो लिमिट्स कोई ना पार करे अगर वो आसमान भी छुएगी तो. ये कहना एक लिमिट है, वो आप समझ सकती हैं जो आप कह रहे हो, लोग समझ सकते हैं. क्या बात है, एक बात आपसे पूछूंगा मैं जी, जी, जो मैं अपने इस सिस्टम में देखता हूँ, यहाँ जो हमारे विमेन कॉलेजेस यहाँ हैं सब में यूनिफॉर्म है जी, जी, लड़कों के में नहीं है. सारे विमेन कॉलेज जो हैं उधर लड़की को मोबाइल अलाउड नहीं है जी, जी. लड़के लेके जा सकते हैं. जितने विमेन कॉलेज हैं उनको सुबह 9 से 4 तक बंद रखता है, जाना नहीं है. लड़के ने पीरियड दिया चला गया, तो ये क्या मामला है जी? यही है कि मतलब हम ये कहेंगे कि फिर हमारा माइंडसेट वही है कि हम लड़की को आज़ादी नहीं देना चाहते हैं. इसमें आज़ादी की बात ही नहीं है. हाँ सर, आज़ादी की ही बात है जब हम मोबाइल किसी से छीन लेंगे. इसमें तो इक्वालिटी की बात है. नहीं सर, इक्वालिटी की भी बात है. पहले मैं कहूँगी आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम जिसको कहते हैं. हम समझेंगे लड़की मोबाइल लेगी तो ज़्यादा आज़ाद होगी, लड़का नहीं होगा. नहीं नहीं, लड़के वही मैं कह रही हूँ ना सर, जो हमारे जो इन कॉलेजेस के जो सरबरा हैं, मुझे लगता है कि ये उनको ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए. और ये जो कॉलेज में बच्चा आता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमें उसको एक ही नज़र से देखना है, हमें उसको उसकी एज से देखना है, हमें नहीं देखना ये लड़का है या लड़की है. और जो मैच्योर 12th पास करके आता है, दैट मीन्स दे आर एंटरिंग द कॉलेज नाउ, दे कैन डिसाइड देयर ओन लाइफ, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस. इनको हम जब छोटे बच्चों की तरफ हम उनको ट्रीट करेंगे. आप कहते हैं कि लड़के को तो हम कहते हैं हो रहा है, हाँ, लड़की को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. लड़की को हम एक तो बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उसको हम रेस्ट्रिक्शंस, जैसे ना उसकी लाइफ पर जो पहले से जो घर में भी पाबंदियां हैं, बाहर भी पाबंदियां. इवन आप देखेंगे, आप तो दुनिया घूमे हैं, आपको तो पता है, इवन आप देखेंगे कि अगर जब कोई औरत कहीं पर किसी बड़ी पोजिशन पर भी होती है, तो जो उसके जो इर्द गिर्द जो होते हैं ना, जो मेल उसके सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, वो उसके सामने करते हैं मतलब हाँ जी आप ठीक कह रहे हो. जब बाहर जाते हैं तो बाहर वो उसका क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं. ये सबके साथ होता है? नहीं नहीं सब सब नहीं सर, मैं मतलब ऐसा कहूँगी कि मतलब ये जो मर्द है ना, मतलब मर्द औरत की सुपरमेसी को मानने के लिए तैयार नहीं है. अब कहीं कहीं जैसे इनने एक बात कही, कहीं कहीं आप ही से जानना चाहूँगा, ये औरत ही औरत को सता रही है.
नहीं, मैं यहाँ औरत भी औरत को सता रही है, मगर मैं इसमें औरत को खतावार नहीं मानती हूँ। मैं उस ब्रिंगिंग अप को या खतावार सिस्टम? मानती हूँ, सिस्टम को खतावार मानती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जो छोटा बच्चा जब घर में होते हैं, तो माँ बाप को लगता है कि बच्चे छोटे हैं, इनको शायद समझ नहीं आती हमारी बात, हमारा उठना बैठना, मगर बच्चा बहुत हसास आपने बहुत होता है अच्छी बात और कही। बच्चा जो है ये सारी चीज़ें, सारे वैल्यूज़ अपने आप में इनकलकेट कर देता है। बच्चा जब देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता है, सही है, बच्चा जब देखता है कि मेरी माँ को मेरे बाप की बात चाइल्ड अब्यूज है माननी है, वो जी सीधा। जी और बच्चे को यह भी पता होता है कि मेरी माँ की कोई से नहीं है घर में, तो नतीजा ये निकलता है कि कल को यही बच्ची ये अपने आप को इसी इसी हाल में ना, इसी हाल में, इसी जाल में अपने आप को डल जाती है। बोलती कि नहीं, मुझे भी यही जो करना मेरी है। माँ करती थी, ओनली देन आई विल बी देखिए दो सक्सेसफुल। चीजें हैं इसमें, जी इसमें दो रिएक्शन हो सकते जी हैं। जी एक रिएक्शन ये है कि जैसे मेरी माँ ने बर्दाश्त किया मुझे भी करना जी है, जी दूसरा हो जी सकता है रिवोल्ट। रिवोल्ट। एक और चीज है, अब ये जो लड़का देख रहा है, लड़का सोचता है सर शायद यही लड़का सही है, नहीं सर ये लड़का जो सोचता है है ना ये सही सर है। मैं हाँ बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी। जो लड़का है ना, जो लड़का देखता है मेरा बाप मेरी माँ को पीटता है, यही मेरा सही है। बाप, मेरा बाप बहुत पावरफुल है घर में, ठीक है, लड़का यही बन जाता है कल, और कल को यही एब्यूजिव फादर बनता है, कल को एब्यूजिव हस्बैंड बनता है, मैं समझ और गया, कल आप का सही कह इसका रही हैं। इसके जो जो इसकी फैमिली होती है वो एक वायलेंट फैमिली बन जाती है, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे जो मुआशरे के आप कह लिए। रही हैं, इस तरफ हम कम ध्यान देते हैं कि ये जी साइलेंटली उसके अंदर जो चीज जा हाँ, रही वो है वो कहीं एडाप्ट निकलेगी, करके करके कहीं करके निकलेगी। जाता है, करके जाता है। देवा जी आप यहाँ हैं, आपके टीचर होने की तो बात की, आप राइटर भी हैं, अगर आप इसमें से हमें थोड़ा सा कुछ सुना देंगी, एक आध पैराग्राफ बहुत अच्छा जो हम पूछ। तक पहुँचेगी और लोगों तक पहुँचेगी जो देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है बहुत तो अच्छा इसीलिए, और आप पे ये जेंडर का भी असर होगा, सिर्फ का असर भी होगा आपकी जी राइटिंग जी में जी जी नेचुरली, नेचुरली तो इसीलिए अगर थोड़ा सा पढ़ था। लो। जी तासस बुथिस पेट अजीब मसरा सस नेबर पेट कई हाल आमच मे वुच आज मे उसी सख लोल आमुत मे वोनुस दपुन मे तिहे चु लोल इवान तो वन क्या कर ये अस बच पलवन ताह करन मगर इसिम लड़क पलव एम थे यम बंद तो आयु मे निश दपुन ते छे पाई तत छु मे तुख टख पेवान कशीर हुन दिल छुम फटनस इवान गसना कुनी कशीर कथ तसन जन अच्छन मज कस ताम खुशी प्रजलान मे प्रसस बाजी ला कत दपुन ठर ब अन्न मे अस ये तम सात वुचमच येल ये जाय तम विज अस अकि रतच मे दपुस ये छन ज हिच अख रस ते दपुन ना तिमनी हिश यह वह आबाद गरिकन उस अख हमसूस दूर अस लजम कूर कस तो बजा आ तु पनस बलिस माज कोर हज फिकर आसान मे हत न दोपुन सतोवुम छु मे ऑपरेशन मे वोनस बस सतोव सुबह वोत मे फोन दोपुक असमत जाय दोम कूर बह गयस हस्पताल अत वुम अजीब माहौल अम सोज लोती दोपुन कूर जायस मे वोनस मे बूस बह पचस मंजलिस कुन अत तीज खूबसूरत कूर कोर बच जन आफ्ताब टुकर गोलब वुट बिल अच खास पन्न माज हिश ये मे पे मामतर बन कु नजर त्र यह अछो कि रूद त्रावान बह गयस हरान अमा अमिस क्या गो अम स माज वो यह वदान कूर जनस पे कम तान वोनस चे बजा छक पनस हाकस बत जी बहुत अच्छे। एक देखिए आपने जो अपनी जिंदगी की बात कही उसी को आपने इसमें कहानी में मिलाया है, उसकी थोड़ी अक्कासी हुई है कि जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई। डॉक्टर विश्वनाथ साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वीमेन स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, दीवा नज़ीर साहब आप उस्ताद हैं उसके साथ साथ राइटर हैं, और बात आज हमने की हसासियत की सिंफ के बारे में, जेंडर के बारे में। ये शुरुआत घर से होगी, स्कूल तक बाद में पहुँचेगी, लेकिन हर आदमी को इस बारे में सोचना है, दूसरे पर ये बात नहीं डालनी है कि वो अच्छा करेगा तो माशरा अच्छा होगा, हमें पहले खुद सुधरना है तो माशरा सुधरेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।